ये कैसल है नीचे से, ऊपर से ऐसे नजर आ रहा है, तो ये इसका सारा व्यू है। तो बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगेगी, और अपनी प्यार मोहब्बत मेरे साथ बांटते रहिएगा हमेशा बहुत अच्छे तरीके से। और ये सारा कैसल है इस टाइम, ये मैं इसकी हाइट पे खड़ा हूँ, और ये इस टाइम दूसरी साइड पे साइप्रस की दूसरी साइड नज़र आ रही है, और जाने का टाइम हो गया, अब नीचे जाना चाहिए। नीचे ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, नीचे जाने से पहले जो अपने हम लवाजमात लाए हैं खाने पीने के, वो तो खा लें, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। तो इस टाइम मैं अपना जो ये लाए हैं खाना मज़े मज़े का, जो बनाना लेके आए हैं इतना मज़े का, इस ये खाना चाहिए इतनी हाइट पे बैठ के। ताकि एनर्जी आए नीचे जाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ साथ लाया था, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं है, यहाँ का रास्ता भी ठीक है। मुफेंतो कैसल जो है उसका रास्ता बहुत ही ज़्यादा है, और वहाँ के लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आप लोगों ने अगर जाना है तो लाजमी अपनी चीज़ें ज़्यादा लेके जाइएगा। तो इस टाइम मैं केला खा लूँ, फिर मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें बताता हूँ। ले जी, केला तो मैंने लिया खा, अब मैं नीचे जाने की तैयारी पकड़ने लगा हूँ। और सर्दी मुझे हल्की हल्की लग रही है, जैकेट भी मेरी अभी नीचे है, वो भी वहाँ से पिक करनी है रास्ते से, और सामान जो है पैक करें और निकलें। ये मैं अपने साथ दो बैग लेके आया था, इनमें कुछ चीज़ें, पावर बैंक वगैरह और बाकी अपनी चीज़ें लेके आया था, ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको यूज़ करेंगे। चीज़ें क्या थी, फ्रूट ही था यार, आ जाके नाशपाती हो गई, माल्टे हो गए, केला हो गया। तो मैं आप लोगों को मज़े की बात बताता चाहूँ, यहाँ साइप्रस का जिप भी बंद कर लूँ साथ साथ, साइप्रस के जो हैं फ्रूट ऐसे हैं कि जैसे आप लोगों ने दरख्त से अभी उतार के तो सीधे इधर ही ले आए हैं, मतलब इतने फ्रेश यहाँ के फ्रूट हैं। और ये जो है, ये मेरे इस बेचारे की टांग पड़ी हुई है, यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, और बहुत इसने डिसहार्ट किया है मुझे, अब कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा या पाकिस्तान से मंगवाना पड़ेगा। पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं यहाँ पे आके रियलाइज़ होता है यार, पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान है। खैर निकलें, अपनी सेल्फी स्टिक उठाएं, और कुछ चीज़ तो नहीं रह गई ना, अब निकलें हम वापसी की तरफ। ये है रास्ता वापसी का, लोहे का जंगल है, स्टैंड है, और बहुत तंग सा रास्ता है यहाँ पर। जैकेट अपनी कहाँ पे थी भला, जैकेट मैंने वो रखी है, वो पड़ी हुई है सामने, और जैकेट पकड़े, ये क्या चीज़ है, किशला बारा चक। तय खाना लग रहा है कोई, फिर जो भी लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अपनी जैकेट तो वो पड़ी है ठंड से, ये भी ठंडी हो गई होनी है, क्योंकि सर्दी अब होना शुरू हो गई है। चल भाई जैकेट उठा और निकल।
बहुत ज़्यादा शूटिंग्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस बन गई हैं, बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा मज़े हो गए हैं और वापस जाने की तैयारी भी हो गई है। मैं नीचे आ चुका हूँ, बादल काफ़ी आ गए हैं दोबारा। कैसा रहा मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। ट्रैवलिंग वीडियो भी यार लाइक किया करो, बहुत एफर्ट करता हूँ इस पर। ये मेरा आज सारा कैसल था एक्सट्री हिलेरियन, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा इसका व्लॉग। तो बस बाहर एग्जिट होने ही वाला हूँ और फिर बाहर जाके आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। O benim kızım değil, biraz önce Kiler'in kızı. Haa! Yok, ne içeceğim sen? Yes! What is for? Good! अपना तो टाइम आ गया है बाहर जाने का, बाहर जाने का। इस टाइम मैं बाहर निकलने लगा हूँ। 7 TL पूरे हो गए हैं घूमने के फिरने के, और ले जी बाहर निकले। इस टाइम जो मैं हूँ बिल्कुल ये देखें, ये लगे हुए हैं जंगले जहाँ से हमने निकलना है, और ये हो गया हुआ बंद। आई थिंक अब कोई बंदा अंदर एंटर नहीं हो सकता, अगर एंटर होगा तो बाहर कुछ लोग बैठे हैं वो उन्हें रोक लेंगे। क्लोज हो चुका हुआ है, तो अगर आप लोगों ने आना है तो काइंडली 2 बजे से पहले ही आएं। मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे, 5-6 दफ़ा जलील हो चुका हूँ, उसके बाद फाइनली आज मैं विज़िट करके बाहर निकल ही आया हूँ। इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने लैंड क्रूज़र की तरफ। और नीचे आने के बाद सर्दी काफ़ी लगना शुरू हो गई है, जैकेट पहन ली अब मैंने अपनी, और अब रवानगी होने लगी है वापसी की तरफ। और चलें अब बैठते हैं अपनी पराडो में और निकलते हैं वापस। एक्सप्लोर काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़े का मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की यहाँ की। तो अब वापस के लिए निकलना चाहिए, मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो चुका हुआ है, बहुत मज़े का हो चुका हुआ है। कैसा मेरा आज की वीडियो लगी, कि आज का व्लॉग कैसा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट भी कीजिएगा बिलाल भाई को, 150 दुआ में याद भी रखिएगा। और नेक्स्ट और अच्छी अच्छी की मज़े मज़े की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ कंटेक्ट में रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। जो भी रहना है आप लोगों ने वो रखिएगा, लेकिन बिलाल भाई को 150 दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे, किसी और जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और चलते हैं अब लाल भाई की तरफ से, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।